हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टेलीप्राइम में अगर हम लोन लेते हैं बैंक से अपने खाते में, तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली पर हम मौजूद हैं पहले से, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर दीजिए, आप आ जाएंगे बाउचर में। आप जिस भी बाउचर में हो, आपको लोन रिसीव होगा, तो दैट्स वाई F6 प्रेस करके रिसिप्ट बाउचर में आ जाइए। हम पहले से रिसिप्ट बाउचर में है, तो हमें कोई जरूरत नहीं इसकी। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने सप्लायर का, और यहाँ पर इसी डेट पर ये लोन पास हो रहा है, हमें मिल भी रहा है इसी डेट पे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब बैंक से लोन हो रहा है, उस बैंक का एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर लेता हूं। ध्यान रहे कि हम क्रेडिट में एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पे CR लिखा हुआ है और ये डबल एंट्री मोड कहलाता है, ठीक है। यहां पर आ गए, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने पंजाब नेशनल बैंक, इसी से ये लोन हमें पास हो रहा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोन, ठीक है। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। अब चूंकि ये लोन हो रहा है हमको, और पंजाब नेशनल बैंक से लोन होगा, तो कि हमसे पैसा वसूल लेगा वो, ठीक है। ये बैंक ऐसे होते हैं कि मिडिल क्लास वाले लोगों से पैसा वसूल ही लेते हैं ये, किसी न किसी तरीके से, या कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनसे पैसा वसूल लिया जाता है, बचता है तो खाली बड़े बड़े लोगों का, ठीक है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, चलिए। अब यहां पर इसे डालेंगे सिक्योर्ड लोन में। ये सिक्योर्ड लोन इसलिए भी क्योंकि अगर आप किसी अपने मित्र से उधार लेते हैं और कहते हैं 2 दिन बाद दे दूंगा, और आप पैसा नहीं दे पाते हैं उसको, कोई बात नहीं 3 दिन बाद दे दीजिए, 4 दिन बाद दे दीजिए। कुछ लोग तो पैसा लेके कई कई दिन तक रख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। और ये जो है सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे सिक्योर लोन कर लेंगे, ठीक है। एंटरप्रेस करके और ये सब एड्रेस वगैरह भर लीजिएगा। यहाँ पर बैंक का GSTIN नंबर पड़ेगा, ठीक है, जो भी बैंक है आपका उसका GSTIN नंबर पड़ेगा, ठीक है। इसको वेरीफाई करेगा टैली, एंटरप्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब कितना लोन आपको हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक से लोन आ रहा है आपका, ठीक है। तो 3 लाख रुपए मान लीजिए लोन ले लिया आपने। अब यहाँ पर डेबिट आ रहा है, डेबिट किसको करेंगे? तो देखिए, या तो लोन कैश में पास होता है, कैश में छोड़ दीजिए, आजकल तो बैंक में ही होता है, तो बैंक का एक, अपने बैंक का एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, और मान लीजिए कि आपका यूनियन बैंक में अकाउंट है, तो यहाँ लिखा मैंने यूनियन बैंक, ठीक है। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट कर लीजिए आप, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको भरना पड़ेगा। अकाउंट होल्डर का नेम तो आ गया है, यहाँ पर इसका IFSC कोड आएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ IFSC कोड आप भर दीजिएगा, और फिर यहाँ बैंक का नेम आ जाएगा नीचे, फिर ब्रांच का नेम। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ तो देवरिया दे दिया मैंने। चेकबुक इशू करना चाहते हैं वाई प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, 4, 5, 6, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और खत्म कहाँ पे करूंगा? यहाँ पे करूंगा। तो ये हो गया कुल मिला के 6 डिजिट का, और कुल मिला के इतने चेक इशू हो गए। और चेकबुक का नाम क्या प्रिंट करना चाहते हैं वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ, अपना ही नाम लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया हमने। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, और यहाँ पर अगर चेक की कॉन्फ़िगरेशन प्रिंटिंग को यस रखना चाहते हैं तो यस रख सकते हैं, अदरवाइज इसको नो ही रखिए। एंटरप्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, और बस यहां से एंटरप्रेस करते हुए, यहां से एंटरप्रेस करते हुए इसको भी अब आप करा लीजिए एक्सेप्ट। ये लोन लेने की एंट्री पास हो गई। इस तरह से आप लोन लेने की एंट्री पास कर सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।